कुशीनगर विधानसभा विधायक पीएन पाठक ने कुशीनगर में मीडिया से बात करते हुए कुशीनगर के सौंदर्यीकरण की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कुशीनगर विकास का रोल मॉडल बनेगा और जिस तेजी से बदलाव हो रहा है मोदी और योगी की देन है। पहले पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कुशीनगर था, लेकिन केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार में कुशीनगर बड़ी तेजी से विकास किया है। चाहे एयरपोर्ट हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो या फ्लाईओवर हो, ब्रिज, बहुत जल्द ही हेतिमपुर और सदर टोला बसेहा को जोड़ने वाला ब्रिटिश पुल का सर्वे कराकर जरूरत के मुताबिक कार्य किया जाएगा। बिजली स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर मंदिर के सुंदरीकरण बनाने की प्रस्तावित कार्य को पूर्ण करेंगे। मेरा मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि जितने भी धार्मिक स्थल जो उपेक्षित रहे हैं विगत के सरकारों में, जब से माननीय मोदी जी की भारत सरकार में, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी आए हैं हमारे, तब से निरंतर जो भी धार्मिक स्थल है उनका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। उसी के क्रम में एक योजना थी कि रामलीला जहाँ जहाँ होता है वहाँ के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी कि उसके लिए कुछ पैसा दिया जाए। उसी क्रम में 59,71,000 रुपया आया है और अगले सप्ताह में समग्र विकास के लिए 1,65,00,000 रुपया सरकार से निर्मित हो जाएगा।